आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 51वां अध्याय वचन 54 से 64। बेबीलोन से चिल्लाहट का शब्द सुनाई पड़ता है, कसदियों के देश से सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता है, क्योंकि यहोवा बेबीलोन का नाश कर रहा है और उसके बड़े कोलाहल को बंद कर रहा है। इससे उनका कोलाहल महासागर का सा सुनाई देता है। बेबीलोन पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा। मैं उसके हाकिमों, पंडितों, अधिपतियों, रईसों और शूरवीरों को ऐसा मतवाला करूँगा कि वे सदा की नींद में पड़ेंगे और फिर न जागेंगे। सेनाओं का यहोवा, जिसका नाम राजाधिराज है, उसकी यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूं भी कहता है, बेबीलोन की चौड़ी शहरपना नेव से ढाई जाएगी और उसके ऊंचे फाटक आग लगाकर जलाए जाएंगे। उसमें राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा और जातियों का परिश्रम आग का कौर हो जाएगा और वे थक जाएंगे। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष में, जब उसके साथ सरायाह भी बेबीलोन को गया था, जो नेरियाह का पुत्र, महसेयाह का पोता और राजभवन का अधिकारी भी था, तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उसको ये बातें बताई, अर्थात वे सब बातें जो बेबीलोन पर पड़ने वाली विपत्ति के विषय लिखी हुई हैं, उन्हें यिर्मयाह ने पुस्तक में लिख दिया। यिर्मयाह ने सरायाह से कहा, जब तू बेबीलोन में पहुँचे तब अवश्य ही ये सब वचन पढ़ना और यह कहना, हे यहोवा, तूने तो इस स्थान के विषय में यह कहा है कि मैं इसे मिटा दूंगा, कि इसमें क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी न रहेगा, वरन यह सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर फरात महानद के बीच में फेंक देना और यह कहना, यों ही बेबीलोन डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेगा। यों उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा और वे थके रहेंगे। यहाँ तक यिर्मयाह के वचन हैं।